नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी एग्जाम में केमिकल रिएक्शन का एक अहम रोल होता है, और केमिस्ट्री का ये जो ऐसा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहचानना पड़ता है कि हाँ अगर पेट्रोल का उड़ना पूछा जा रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, पेट्रोल का जलना पूछा जा रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। और अगर मैं इस चैप्टर का नाम हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग चैप्टर का नाम को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो चलो फिर हम लोग बात को शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी पहली स्लाइड क्या है, समझते हैं धीरे धीरे। तो आज की जो पहली स्लाइड है वो ये है। हाँ, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए भाई केमिकल रिएक्शन है क्या। आप लोग इतनी देर से चिल्ला रहे हो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो मैं आपको बताता हूं केमिकल रिएक्शन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास कोई एक या एक से अधिक आपके अभिकारक होंगे। अभिकारक का मतलब कह सकते हो कि जो इनपुट लिए जाते हैं, है ना। तो एक या एक से अधिक पदार्थ, मान लीजिए मैंने आपके सामने H2 लिया और प्लस O2 लिया, H2 लिया या फिर O2 लिया। अब मैं 2H2 और प्लस 2O2 ले लूं, O2 ले लूं, तो यहां से फाइनली जो बन जाएगा वो 2H2O बन जाएगा, देख लो। तो ये दो हमारे कह सकते हो पदार्थ लिए रहे, ले रहे प्रोडक्ट एक बना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि मान लीजिए आपने CO2 लिया, तो CO2 को जब हम ब्रेक करते हैं गर्म करके तो कार्बन और O2 में ब्रेक हो जाता है ना। तो परिभाषा पता क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि जब एक या एक से अधिक आपस में क्रिया करके, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाएंगे, उसी क्रिया को बताइए क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ये भिन्न रासायनिक गुण का क्या मतलब है मैं बताता हूं। जैसे कि आप ऊपर वाली रिएक्शन में देख पा रहे हो, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगफल दिखाकर तुम्हें पानी बनाया। आप मुझे बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, सर गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो बताइए जो H2O बना वो किस फॉर्म में बना, कहना लिक्विड फॉर्म में बना। तो एट या एट से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब एट या एट से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसके रासायनिक गुण भिन्न हो, समझ जाना, वो हमारा कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 को जब भी कभी गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एक गैस बनती है जिसका नाम होता है Na2CO3, फिर उसके बाद बनता है Na2CO3 प्लस CO2 गैस बनती है और प्लस निकल के आता है H2O, प्लस निकल के आता है H2O। ओके, तो ऐसा भी, ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए इसमें एट या एट से अधिक पदार्थ लीजिए और एट या एट से अधिक पदार्थ भिन्न प्रॉपर्टी वाले बनने चाहिए, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अरे, तो अब आगे बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कुछ बातें करते हैं। तो पॉइंट लेना है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछा जाएगा कि रासायनिक प्रॉपर्टी में या रासायनिक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में कौन से गुणों में परिवर्तन आता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। और जो भी हमारा रासायनिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो द्रव्यमान संरक्षण पर कार्य करती है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब यह है कि जितना लेफ्ट साइड द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही राइट साइड होना चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है तो कह देना वो हमारा कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है CH4, मैंने यहां पर लिखा हुआ है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए CH4, ठीक है, और मैंने इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, बदले मैंने CO2 बनाया और बदले में मैंने H2O बनाया। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट यानी बैलेंस है कि नहीं है, है ना। कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं है? तो देखो यहां पर एक कार्बन है तो उधर साइड भी एक कार्बन, कार्बन कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं या हाइड्रोजन देख लीजिए, पहले चार हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन है, उसके अलावा और हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होता है। तो अगर यहां चार हाइड्रोजन है तो यहां पर मुझे दो हाइड्रोजन और बनाने पड़ेंगे। अब ये देखिए बैलेंस है नहीं है, तो यहां पर दो ऑक्सीजन, यहां पर दो और दो चार ऑक्सीजन, अभी भी बैलेंस नहीं है।
अगर उस तरफ चार है तो इधर भी चार बनाने के लिए मुझे 2O2 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 2O2। ओके, अब ये बैलेंस है पूरी तरीके से। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, और बैलेंसिंग जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस नियम पर कार्य करती है, द्रव्यमान संरक्षण पे। अब रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, केमिकल चेंजमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उदाहरण सुनिए। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना एक दहन होता है और दहन हमेशा रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना और चांदी का काला पड़ जाना, ये वो एग्जाम्पल है बच्चा जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं एग्जाम्पल को लिया है। फिर से सुनिए, पेट्रोल का जलना, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, ये सब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल है। ओके, चलो फिर। तो ये केमिकल रिएक्शन का मैंने बेसिक बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद भिन्न रासायनिक गुण वाले कोई दूसरा पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक पदार्थ बनाएंगे, है ना। और क्या क्या रासायनिक गुणों में आता है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है ये मैंने बताया, ठीक। चलो अगली स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब अगली स्लाइड में आपको बताना है कि सर फिजिकल चेंजमेंट क्या होते हैं। आपने रासायनिक चेंजमेंट देख लिया, अब फिजिकल बताइए क्या होता है। तो फिजिकल चेंजमेंट की परिभाषा यह होती है कि वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदलते हैं, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदलते हैं सर उसे फिजिकल चेंजमेंट कहते हैं। परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ का मतलब यह है कि अगर स्टील था, तुमने फिजिकल चेंजमेंट किया तो स्टील ही रहेगा, बस उसका आकार बदल सकता है। बात ध्यान से सुनना, उसका आकार बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, आकार के साथ उसका द्रव्यमान बदल सकता है, द्रव्यमान के साथ उसका आयतन बदल सकता है। तो जब ये सब बदलते हैं तो इसको बोला जाता है फिजिकल चेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये छड़ थी, एक ये रॉड थी। इस रॉड को मैंने क्या किया, मोड़कर कुछ ऐसा बना दिया, इस रॉड को मोड़कर ऐसा बना दिया। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा चेंजमेंट हुआ। तो कहना ये फिजिकल चेंजमेंट है, क्यों, क्योंकि आपने इसका आकार बदल दिया बस। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ध्यान से सुनना, बल्कि अवस्था परिवर्तन जरूर हो सकती है, अवस्था परिवर्तन। अच्छा, अभी फिलहाल इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तो मैंने केवल शेप बदला। अवस्था परिवर्तन का मतलब यह कि मैं इस छड़ को पिघला कर गर्म करके लिक्विड बना दूं तो भी वो फिजिकल चेंजमेंट ही कहलाएगा, वो केमिकल चेंजमेंट नहीं कहलाएगा। तो अवस्था परिवर्तन वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं अवस्था परिवर्तन वाले, वो सब तुम्हारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं, वो सब भौतिक। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताता हूं, तीन तरह की अवस्थाएं आप याद कर लो, एक तो सॉलिड होता है, अगला लिक्विड होता है, और तीसरा याद रखिएगा गैस होता है। ये तीनों आपस में अवस्था में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, सॉलिड का एग्जाम्पल ले लीजिए बर्फ, लिक्विड का एग्जाम्पल ले लीजिए पानी, और गैस का एग्जाम्पल ले लीजिए वाष्प। अब देखिए, इनमें आपस में हमेशा चेंजमेंट होता रहता है, हमेशा। हमेशा का मतलब ये लिक्विड या सॉलिड कई बार लिक्विड बनता है और लिक्विड कई बार सॉलिड भी बनता है ना, यानी बर्फ कई बार पानी बनता है, पानी कई बार बर्फ बनता है। तो जब बर्फ पानी बनता है तो उसे बोला जाता है मेल्टिंग, मेल्टिंग। और जब लिक्विड सॉलिड बनता है यानी पानी बर्फ बनता है, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग। अच्छा, लिक्विड कई बार गैस बनता है तो उसे बोला जाता है वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। और कई बार गैस लिक्विड बनता है उसे बोला जाता है कंडेंसेशन, संघनन। समझ पा रहे ना। और कई बार क्या होता है कि कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और कई बार कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, इसको बोला जाता है डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन यानी सब्लिमेशन का उल्टा। ओके, तो ये सब अवस्था परिवर्तन वाले प्रोसेस है। तो जब भी तभी किसी चीज का पिघलना लिखा हो, उड़ जाना लिखा हो, यानी वाष्प बन जाना लिखा हो, वो सब के सब भौतिक चेंजमेंट होते हैं। अब भौतिक चेंजमेंट में देखो क्या क्या आते हैं। सर भौतिक चेंजमेंट में आता है बर्फ का पिघलना, भाई बर्फ पानी बन गया, भौतिक चेंजमेंट है। पानी का भाप बनना फिजिकल चेंजमेंट है। पेट्रोल का उड़ जाना, देखो पेट्रोल का जलना क्या होता है। सर पेट्रोल का जलना होता है रासायनिक, लेकिन पेट्रोल का उड़ जाना होता है भौतिक। मोमबत्ती का पिघलना, अब देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक होता है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना कैसा होता है, सर मोमबत्ती का पिघलना होता है भौतिक। ओके, तो आप लोग आई होप ये पहचान पा रहे हो कि रासायनिक क्या है, भौतिक क्या है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालेंगे। तो जितने भी अवस्था परिवर्तन वाले प्रोसेस होते हैं सब भौतिक होते हैं,
और रासायनिक के मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि बताइए कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन या केमिकल रिएक्शन से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये परिवर्तन में कभी भी कंफ्यूजन मत आना, बहुत बार आता है कपूर का जलना रासायनिक है कि भौतिक है, कपूर का उड़ जाना, तो कपूर का उड़ जाना है भौतिक लेकिन कपूर का जलना रासायनिक, दहन हमेशा रासायनिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो यहां से तुम्हें दो तरह की रिएक्शन पढ़नी है, उनमें से पहली रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हिंदी में इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या भौतिक रिएक्शन भी होती है, तो कई बार क्या होता है कि चाहे रासायनिक हो चाहे भौतिक परिवर्तन हो, कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ध्यान रखना, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोला जाता है, यह वो रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे इसका पहला एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है चूने में पानी मिलाना। आप लोगों ने घरों में एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि जब भी कभी आप बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं यानी H2O मिलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, बताइए बनता है ना, प्लस कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्लस कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, बताइए। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही ना, आप बिना भुजे हुए चूने में पानी मिला दो, कली चूना जिसको बोलते हैं, तो एकदम भयंकर जलने लगता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो रही, समझे ना। तो जिस रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे एक्सोथर्मिक, तो चूने में पानी मिलाना एक एक्सोथर्मिक है। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। अगर आपने बायोलॉजी में वो वाला चैप्टर पढ़ाओ, सेल वाला चैप्टर पढ़ाओ, तो सेल वाले चैप्टर में स्पेशली बताया जाता है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपको यह भी बताया गया होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 जब ये 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, 6 ऑक्सीजन के साथ, तो बदले में यह बनाता है 6CO2 और प्लस बनाता है 6H2O और प्लस याद करो 38 ATP ऊर्जा भी जनरेट करता है, प्लस 38 ATP ऊर्जा जनरेट करता है। अरे जनरेट कर रहा है ना एटीपी ऊर्जा, इसका मतलब ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन का दहन, देखो दहन किसी भी चीज का तुम दहन करोगे तो हमेशा तुम्हें ऊर्जा ही तो मिलेगी, उसमें ही तो मिलेगी। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बार ले लिया एसिटिलीन C2H2, मुझे इसका दहन करना है और दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बदले में ध्यान रखना एक डैश बनती है जिसका नाम होता है CO2 और प्लस कुछ मात्रा में पानी भी निकलता है। बट अभी हम लोग इसे बैलेंस करना, बिना बैलेंस किए हुए देखो कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोकार्बन का तुमने दहन किया है और ये सारी चीजें बनी। तो देखो यहां पर एसिटिलीन में तुमने दो कार्बन ले रखे, तो इसका कंफर्म मतलब है यहां पर जो निकलेगा वो 2CO2 निकलेगा, बताइए। फिर यहां दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अभी और बैलेंस कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस है। तो यहां देखिए दो चार ऑक्सीजन, चार एक पांच, अगर पांच ऑक्सीजन है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यहां पर मुझे 5/2 करना पड़ेगा, 5/2, सारे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 5 बचे। अरे अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है ना। तो किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हो तो दहन कराने के बाद लास्ट में आपका जो बचता है सर, लास्ट में थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा जरूर निकलेगी, H2O तो था और प्लस कुछ मात्रा में क्या निकलेगी, ऊर्जा, प्लस कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कह सकते हो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने रिएक्शन का नाम सुना होगा N2+3H2, N2+3H2 का नाम सुना होगा और ये फाइनली होता है 2NH3, N2+3H2 फाइनली होता है 2NH3। ये हैबर विधि से अमोनिया बनाने का मेथड है और इसमें भी कुछ मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा। तो जब भी कभी दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया।
और संयोजन अभिक्रिया में भी बच्चा ऊर्जा निकलती है, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अटे और देखिए उदासीनी टर्न में क्या होता है, मैंने एसिड और बेस वाले चैप्टर में जो पढ़ाया होगा उदासीनी टर्न में क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी एक अम्ल जो तुम्हारा किसी भी क्षार के साथ जैसे कि NaOH के साथ मिलकर एक लवण बनाएगा, लवण हो जाएगा तुम्हारा NaCl, साल्ट हो जाएगा NaCl। अच्छा साल्ट तुम्हारा NaCl हो गया और प्लस कुछ मात्रा में H2O यानी कुछ मात्रा में पानी बनाएगा प्लस ऊर्जा भी बनाएगा। ओके तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराने के बाद लवण और पानी का बनना यह उदासीनी टर्न कहलाता है, और उदासीनी टर्न में भी कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है नहीं, बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर लो चाहे है ना। तो मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो चूने में पानी मिलाना, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, हाइड्रोकार्बन का दहन है, संयोजन अभिक्रिया और उदासीनीकरण, ये सारी की सारी ऊष्मा उत्पन्न होने वाले प्रोसेस होते हैं, इन सभी में ऊष्मा उत्पन्न होता है। हालांकि और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल आपको बताया जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, सेम इसी का अपोजिट आ जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी, यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही, बल्कि इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, अब क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं पहले परिभाषा पढ़ देता हूं एक बार क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, सर उसे ऊष्मा शोषित कहते हैं। ऊष्मा शोषित जो सबसे पहला एग्जाम्पल है भाई वो है प्रकाश का संश्लेषण, अरे आपने बताया हो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि आपकी बॉडी से छोड़ा गया 6CO2 पानी यानी 12H2O के साथ रिएक्शन करता है, अब मिलने के बाद प्रकाश के लिए भोजन पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार करता है, लेकिन ये जो भोजन तैयार होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिना सनलाइट यानी बिना हीट दिए हुए भोजन नहीं तैयार हो सकता, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर भोजन में क्या बनता है, तो भोजन में बन जाता है C6H12O6, बदले में 6O2 भी बनता है, बदले में 6O2 के बाद 6H2O भी बनता है, प्लस अब देखो यहां ऊर्जा नहीं निकलेगी क्योंकि ऊर्जा निकलती रही है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, देखो सनलाइट हमने ऊर्जा दिया है ना, तो यही तो है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा देनी है। ओके, अब रिएक्शन एक बार चेक कर लो पूरी तरह से बैलेंस होती है, क्योंकि ये तो रटी रटाई रिएक्शन होती है। अब घटन रिएक्शन क्या होती है, अब घटन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई कंपाउंड टूटकर दूसरे कंपाउंड में टूट जाए, मतलब गर्म करने पर टूट जाए। अब घटन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल, आपके पास CO2 था, आपने गर्म किया, गर्म करने को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया है ना, तो आपको उसमें देनी पड़ी हो रही है, श्योर है एकदम। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अपघटन रिएक्शन के, जैसे कि तुम्हारे पास अमोनिया था 2NH3, आपने इसको गर्म किया, गर्म करने का मतलब डेल्टा, तो ये टूट गया N2+3H2 में। तो ये सब अपघटन रिएक्शन होती है, जब एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक नए कंपाउंड बनाता है सर वो अपघटन है, और अपघटन रिएक्शन में हमेशा ऊष्मा देनी पड़ती है, अगर ऊष्मा देनी पड़ रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा कहीं ना कहीं ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। अब ऊष्मा शोषी का एक एग्जांपल और होता है पानी का वाष्पीकरण। मैं थोड़ा सा बता दूं बातें, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, ध्यान देना। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके पास तीन तरह के फेज होते हैं, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, और फिर मैंने आपको बताया गैस, ये तीन तरह के मैंने फेज बताए, और इन तीनों तरह के फेज में प्रोसेस के नाम भी मैंने बताए, जैसे कि जब कोई सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसे बोला जाता है मेल्टिंग, और जब कोई लिक्विड सॉलिड बनता है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। ओके, फिर जब कोई लिक्विड गैस बनता है तो उसे बोला जाता है वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, और फिर कोई गैस अगर सॉलिड बनता है तो उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। कई बार कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस बनता है उसे बोला जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन,
और कई बार कोई डैश डायरेक्ट सॉलिड बनता है उसे बोला जाता है डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन का मतलब होता है सब्लिमेशन का उल्टा। ओके बताइए, बात इतनी क्लियर है ना। अब सवाल ये कैसे सर डिसाइड करेंगे कि पानी का वाष्पीकरण कौन सा प्रोसेस है, तो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जब भी कभी आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनानी हो, यानी ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनानी हो, यानी आपका ऑपरेशन होने वाला ऑपरेशन सॉलिड से गैस की ओर बढ़ रहा हो, सॉलिड से कहां की ओर बढ़ रहा हो, गैस की ओर बढ़ रहा हो, ध्यान रखना। तो इन सब में हमें हीट देनी पड़ती है, और हीट देनी पड़ती है तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं ऊष्मा शोषी। तो कौन कौन से ऊष्मा शोषी हो सकते हैं, तो कहना एक तो सर मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन, और सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन। ये सब ऊष्मा शोषी है, ये सब ऊष्मा शोषी। तो अगर मैं इसमें ऊष्मा शोषी पूछूं तो मेल्टिंग ऊष्मा शोषी होगा, वेपराइजेशन ऊष्मा शोषी होगा, और भाई साहब सब्लिमेशन भी ऊष्मा शोषी होगा, बताओ। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाने का मतलब क्या हुआ सर, उल्टा हो जाने का मतलब गैस से तुम सॉलिड की ओर आ रहे हो, गैस से सॉलिड की ओर आ रहे हो। तो याद रखिएगा, जब आप गैस से सॉलिड की ओर आते हो तो ध्यान रखना हमें ऊष्मा निकालनी पड़ती है। अब ऊष्मा निकालने का मतलब है ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो जब गैस से सॉलिड की ओर आते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है तुम्हारी ऊष्मा छेपी। ओके, कहने का अर्थ ये हुआ कि गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन ऊष्मा छेपी है, लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग ऊष्मा छेपी है ना, और डी सब्लिमेशन भी ऊष्मा छेपी है। ओके, तो ऊष्मा छेपी में क्या क्या आ जाएगा, एक तो कंडेंसेशन आ जाएगा, उसके बाद फ्रीजिंग आ जाएगा, और डी सब्लिमेशन ये भी तुम्हारा ऊष्मा छेपी है। तो सवाल में देखो क्या बोला जाता है, पानी का वाष्पीकरण एक ऊष्मा शोषी है, तो वाष्पीकरण का मतलब लिक्विड को गैस बनाना, जब लिक्विड को गैस बना रहे हैं तो सर वो वाष्पीकरण होगा। तो बात को बस इतना समझो कि सॉलिड से जब गैस की ओर जाते हैं तो आपको ऊष्मा शोषी बताना है, और गैस से जब सॉलिड की ओर आते हैं तो आपको ऊष्मा छेपी बताना है। ओके, तो मैंने आपको यहां पर ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, इनके बारे में आइडिया दिया। अब ये सारा आइडिया लेने के बाद, ये सारा कुछ आइडिया लेने के बाद आपको ये बताना होता है कि सर मैं रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक, बताइए सर रिएक्शन कितने तरह की होती है, तो ध्यान रखना रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो 7 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। एक संयोजन अभिक्रिया होगी, फिर अपघटन रिएक्शन होगी, फिर दहन होगा, विस्थापन होगा, ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, और रिडॉक्स होगा। ओके, तो लगभग इतने 7 तरह की रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलिए। ओके, तो देखिए अब हमारी जो पहली रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि रिएक्शन हमारी कितने तरह की होती है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आती है संयोजन, अपघटन, दहन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स। लगभग 7 तरह की रिएक्शन होती है। अब हम लोगों को एक एक करके सारी रिएक्शन समझनी है। जैसे कि मैंने कहा कि पहली जो रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उस बात को पहले समझते हैं, चीजों को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया कैसे समझेंगे, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड होगा ए, वो कोई भी दूसरे कंपाउंड बी के साथ मिलकर हमेशा आपको ए बी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपाउंड ए होगा वो बी कंपाउंड के साथ मिलकर हमेशा ए बी बनाएगा, जुड़ेगा, संयोजन अभिक्रिया ना। हालांकि मैंने इससे पहले बता रखा है कि संयोजन अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। हमेशा ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा को उत्पन्न करती है। तो ये ऊर्जा एक ये रिएक्शन एक ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है। अब क्या क्या संयोजन के एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 4 एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। ये 4 हमारे क्या क्या हो सकते हैं। पहला लिखा हुआ है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो सफेद ज्वाला और मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है, ये क्या है। तो कह देना मैग्नीशियम रिबन का मतलब है Mg, और हवा का मतलब है यहां ऑक्सीजन के साथ। जब भी कभी हम लोग Mg को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, आप यहां 2 Mg ले लो, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो सफेद ज्वाला के साथ बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा सफेद ज्वाला के साथ बनता है। ओके, तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा के साथ जलाते हैं तो सफेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है,
बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहां दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब दो का मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं। सर इन्होंने बोला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया और ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया, हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया, ऑक्सीजन मतलब O2। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर 2H2 करना पड़ेगा, है ना। तो 2H2 प्लस O2 अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बना देते हैं तुम्हारा 2H2O, बना देते हैं तुम्हारा 2H2O। ओके, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, देख लीजिए रिएक्शन कंप्लीट। ये भी हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है, दो कंपाउंड मिल रहे हैं और एक तीसरा कंपाउंड बना रहा है। आगे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहां कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा का बड़ा रोल होता है हम लोग के जीवन में। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये भी हमारी एक कैसी रिएक्शन है सर, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर, जैसे कि H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर देख लीजिए तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, यानी 2HCl बनाते हैं। ओके, तो लगभग मेरे पास कह सकते हैं कि ये चार रिएक्शन है जो बताती हैं कि दो कंपाउंड अगर मिल जाए तो तीसरा एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। हालांकि मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूं, लेकिन अब डेफिनेशन का इतना ज्यादा रोल नहीं रह गया। डेफिनेशन लिखी है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, हाँ दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, नोट डाउन कर लेना। इसमें दो कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं, ये पहली टाइप की रिएक्शन थी। अब दूसरी टाइप की रिएक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी टाइप की रिएक्शन का नाम है अपघटन रिएक्शन। क्या है अपघटन रिएक्शन, मैं आपको समझाता हूं, बस थोड़ा सुनते जाइएगा। अपघटन रिएक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं अपघटन, और इंग्लिश में बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि मेरे पास कोई, ये उल्टा है, ये संयोजन अभिक्रिया की उल्टी रिएक्शन है। जैसे कि आपने देखा संयोजन अभिक्रिया में ए और बी मिलकर ए बी बनाते थे, ए और बी मिलकर ए बी बनाते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा कि एक कंपाउंड हो रहा ए बी, और जब इसको आप गर्म करोगे डेट मींस डेल्टा करोगे तो वो ए और बी में टूट जाएगा। ओके, लेकिन ये रिएक्शन हमारी एक ऊष्मा शोषी रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोष रही है ना, तो जिसमें ऊष्मा शोषी जाए, ऊष्मा शोषी जाए सर, वो ऊष्मा शोषी होती है। जब कोई यूनिट हीट पार्टर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, जब कोई यूनिट हीट पार्टर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है उसे अपघटन कहते हैं, है ना। अब ये जो हीट का लेना देना है, मतलब ये हीट कैसे आ सकती है, ये जो हीट है ये किस तरह से आ सकती है, तो याद रखना ये हीट तीन तरीके से आ सकती है हमारी रिएक्शन में। पहला तरीका क्या है सर, इस हीट को लाने का पहला तरीका है, एक तो ऊष्मा विद्युत, मतलब यहां कॉमा फिर से लगाना चाहिए, ऊष्मा द्वारा हीट आ सकती है, विद्युत द्वारा हीट आ सकती है, और प्रकाशी, अच्छा ऊष्मा के बाद, ऊष्मा के बाद ऐसे लगाइए, यह ऊष्मा विद्युत प्रकाशी और तापी, ये तीन तरह की हो सकती है। मतलब आप विद्युत द्वारा हीट को दे सकते हो, प्रकाश द्वारा हीट को दे सकते हो, या फिर ताप द्वारा यानी हीट द्वारा दे सकते हो। ओके, अब मैं समझाता हूं एक-एक करके। जैसे पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ अपघटन का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है। देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कहना कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है CaCO3। अगर तुमने CaCO3 को गर्म किया है यानी डेल्टा किया है, तो दो चीजें बनेगी, उनमें से एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा CO2-। देख लो ये अपघटन रिएक्शन है। कैसे अपघटन है, क्योंकि एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड में टूट रहा है। फेरस सल्फेट यानी FeSO4, हमें यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2FeSO4 लेने पड़ेंगे। 2FeSO4, जब हम लोग 2FeSO4 लेते हैं तो यहां से एक तो बनता है फेरिट ऑक्साइड यानी Fe2O3, Fe2O3 बनता है, ऊपर से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और एक और चीज बनती है जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट मींस SO3। अब एक बार ये चेक कर लो कि ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है कि नहीं, नहीं तो मैंने जरा छोड़ रखी है एक दो तीन रखने के लिए। 2Fe2Fe, सल्फर दो, बाकी ऑक्सीजन 4 2 8, 3 ये
दो ये तीन ये, देख लो बैलेंस है, यानी मुझे अब कहीं पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो फेरस सल्फेट आप देख पा रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट अभी हम लोग अपघटन करते हैं तो दो चीजें बनती है, उनमें से एक होता है फेरेट ऑक्साइड, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखने ना। आगे देखिए लेड नाइट्रेट, बच्चा लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट में आपको 2PbNO3 लेना है, लेकिन NO3 का होल ट्वाइज होना चाहिए। आप 2PbNO3 का होल ट्वाइज ले लो और इससे जो बनता है वो पहला तो बनता है लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का मतलब ये है कि अगर 2PB है तो 2PbO बनेगा, दैट मींस लेड ऑक्साइड बनेगा। फिर देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया NO2, लेकिन दो थे इसलिए 2NO2 बनेंगे, और प्लस लास्ट में हमारी ऑक्सीजन रेस। अब ऑक्सीजन रेस को बैलेंस करना है तो देखो कैसे होगा, 3 × 6 × 6 × 12 ऑक्सीजन है, 2 यहां हो गया, 2 × 2 = 4 यहां, 4 × 2 = 6, इसका मतलब 6 और बाकी है तो 3O2 कर दो। या तो लेड नाइट्रेट को जब भी कभी हम लोग गर्म करते हैं तो जो गैस बनती है वो NO2 बनती है और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन इस NO2 का रंग तुमसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, NO2 जो बनती है वो भूरे कलर की बनती है, कौन से कलर की बनती है, भूरे। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, किस कलर की बनती है, भूरे कलर की बनती है, याद रखिएगा। ओके, देखो सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने से सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, कैसे, आपने देखा होगा कि जब आप सिल्वर क्लोराइड यानी 2AgCl को गर्म करते हैं, 2AgCl को गर्म करते हैं तो इससे एक तो गैस बनती है तुम्हारी 2Ag और प्लस बनता है क्लोरीन गैस, 2Ag प्लस बनता है क्लोरीन गैस Cl2। ओके, तो 2Ag प्लस Cl2 गैस ये हमारा सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने से बनती है। आप सारी की सारी रिएक्शन में गौर से देखिए तो हर एक रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहा है, जैसे इसमें देखो तीन बना रहा है, इसमें तीन बना रहा है, इसमें दो बना रहा है। तो जब एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है सर, उस रिएक्शन का नाम होता है अपघटन रिएक्शन, अपघटन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और यही सेम चीज देखो हर एक में हो रही है, समझे ना। और अपघटन रिएक्शन में हमेशा हीट देनी पड़ती है इसलिए ऊष्मा शोषी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली टाइप की रिएक्शन क्या है सर, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं कंबस्शन, हिंदी में बोला जाता है इसको दहन, कंबस्शन और हिंदी में बोला जाता है दहन। क्या है सर ये रिएक्शन कंबस्शन, तो कहना जब किसी हाइड्रोकार्बन को, पहले मैं अच्छा समझा देता हूं कंबस्शन क्या होता है, दहन क्या होता है। होता क्या है कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने CH4 ले लिया, जब इसकी टिड़िया आप लोग ऑक्सीजन के साथ ट्राउडे तो CO2 गैस बनेगी प्लस H2O बनेगा, ये कहलाता है तुम्हारा कंबस्शन। हाँ, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, लेकिन ध्यान रखना दो तरह के कंबस्शन होते हैं आपके पास, दो तरह के दहन होते हैं, दो तरह के दहन, दो तरह के कंबस्शन होते हैं। इनमें से एक को बोला जाता है कंप्लीट कंबस्शन और एक को बोला जाता है इनकंप्लीट कंबस्शन, एक को बोला जाता है कंप्लीट, एक को इनकंप्लीट। सर कंप्लीट कंबस्शन क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है कि जब ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के साथ कंबस्शन हो उसे कंप्लीट बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ कंबस्शन हो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। बोलो दोस्त, बात सब क्लियर है ना। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या लॉजिक है, क्या लकड़ी है, जब भी कभी ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के साथ कंबस्शन होगा यानी ज्यादा मात्रा के साथ दहन होगा तो हमेशा जो गैस बनेगी आपके सामने वो बनेगी CO2 और प्लस H2O, यानी CO2 और H2O का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में हमेशा आपके सामने बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा है। मैं एक एक एग्जांपल देखो बना के दिखाता हूं, और दहन में हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है, मैंने ये सिखा दिया दहन में ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए दहन ऊष्मा छेपी है। मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया मीथेन, मीथेन की क्रिया मैंने ट्राई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मान लो थोड़ी देर के लिए कंप्लीट कंबस्शन हुआ, कैसा कंबस्शन हुआ कंप्लीट, तो CH4 प्लस O2 अगर कंप्लीट कंबस्शन हुआ है तो ये बना देगा तुम्हारा CO2 सबसे पहले तो, और प्लस H2O, प्लस H2O बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर यहां एक कार्बन है तो यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर दो चार हाइड्रोजन है तो मेरे भाई यहां पर भी तुम्हें दो से मल्टीप्लाई करके चार हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। रही बात ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, तो रहना यहां दो ऑक्सीजन है मेरे दोस्त,
यहां पर भी दो ऑक्सीजन है, दो और दो चार, जिसकी वजह से यहां पर आपको टू और टू लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ, लास्ट में कुछ मात्रा में ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी, लास्ट में कुछ मात्रा में ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी, इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? सर, ये ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ होता है, जैसे कि CO प्लस H2O। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने CH4 का इनकम्प्लीट कंबशन कराया होता, यानी सिर्फ O2 के साथ रिएक्शन कराई होती, तो एक तो बन जाता कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस 2H2O, चेक करो। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते? बैलेंस करने का मतलब यह है कि यहां कार्बन एक, वहां कार्बन एक, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस हो रहा? सर, यहां दो ऑक्सीजन, यहां एक, टोटल तीन। तो यहां अगर मुझे तीन ऑक्सीजन लेके आना है दोस्त, तो मुझे यहां पर 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहां 2O2 लगा है, यहां पर 3/2 O2 लगा है। इसका अर्थ यह है, ऊपर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा है, नीचे ऑक्सीजन की कम मात्रा है ना। ये ऐसा जरूरी नहीं कि मीथेन के लिए एग्जांपल आए, कोई भी ले लो यार, कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, बेंजीन लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो लो, बस ये ध्यान रखना CO2 और H2O बनाना कंप्लीट में, और इनकम्प्लीट में CO और H2O बनाना। ओके, तो दहन क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, इस क्रिया को दहन बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो दो तरह के दहन होंगे, कंप्लीट और इनकंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है, ये लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। मैं विस्थापन अभिक्रिया पहले समझा दूं क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंपाउंड AX लिखा है, और मैंने इसकी क्रिया B के साथ ट्राई, तो होता क्या है कि जब AX की क्रिया तुम B के साथ ट्राओगे, AX की क्रिया B के साथ ट्राओगे, तो X का विस्थापन हो जाएगा, तो X लग जाएगा B X के साथ, और A देखिए अलग हो जाएगा। मतलब B ने क्या किया, A को डिस्प्लेस कर दिया, B ने A को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब B A की जगह बैठ गया और A को अलग कर दिया, ये कहलाती विस्थापन। लेकिन जब एक तरह से विस्थापन हो, एक तरफ से विस्थापन हो, इसे बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह हुआ कि AX था, BY था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया, तो बन जाएगा AY प्लस BX। तो ये जो रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, इस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AX प्लस BY पर बन के हो गया AY प्लस BX, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करने के लिए तुम्हें रिएक्टिविटी टेबल याद होनी चाहिए। अगर रिएक्टिविटी टेबल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आएगा और डिस्प्लेस करने चला जाएगा, नहीं। तो ये तुम्हारे पास रिएक्टिविटी टेबल है, मैं एक बार पढ़ता हूं रिएक्टिविटी टेबल में। देखो, नीचे से जब आप ऊपर की ओर जाते हो, तो ध्यान रखना रिएक्टिविटी बढ़ती है। नीचे से ऊपर की ओर जाते समय रिएक्टिविटी बढ़ती है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है, सोडियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज्यादा है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से, उससे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा है। तो जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये मोस्टली वो धातुएं हैं जो ज्यादातर तुमसे पूछी जाती है। तो इन सभी में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? सर, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है गोल्ड की। गोल्ड को थोड़ा गौर से देखिए, गोल्ड तुम्हारा नीचे है, देख लो। ओके, तो AU, AG, HG, CU, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, है ना। तो कुछ चीजें इनमें से एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन का मतलब वो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे कि जिंक Fe में, जिंक Fe और लेड, हाइड्रोजन ना लेकर HCU ले लो। ये रिएक्टिविटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं इन्हीं से पूछे जाते, इन चार से, जिंक Fe PB CU, CU वैसे थोड़ा सा ऊपर होता है ना। तो रिएक्टिविटी सबसे कम रिएक्टिविटी गोल्ड की होती है, गोल्ड के नीचे प्लेटिनम आता है, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर यही रहता है। इतना ही याद कर लोगे तो ठाम चल जाएगा तुम्हारा। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, HG, AG और AU। बोलो दोस्त, बात सबको क्लियर है ना। अब मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ताकि आपको समझ में आ सके।
तो एग्जांपल देखिए, इसका पहला नंबर का एग्जांपल क्या कहता है, उदाहरण के तौर पे देखिए मैंने यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा है कि मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर से विस्थापित करना। तो पहले आप मुझे बताओ विलयन किस चीज का है? सर विलयन है कॉपर सल्फेट, विलयन है कॉपर सल्फेट। तो तुमने क्या किया, यहां पर कॉपर सल्फेट ले लिया। किसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट करना है? सर मैग्नीशियम के द्वारा करना है। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम कॉपर से कहां पड़ता है। तो रिएक्टिविटी टेबल ये कहती है कि भैया मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी देखो कॉपर से ज्यादा है। अगर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अर्थात रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद MgSO4 बनेगा प्लस कॉपर हट जाएगा, MgSO4 बनेगा प्लस कॉपर हट जाएगा। ओके, अगला देखिए, आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित करना, नहीं कॉपर विस्थापित करना, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया और आयरन द्वारा, अब यह देखना होगा तुम्हें कि भैया विस्थापन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये चेक कर लो कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है कि नहीं। कॉपर नीचे था यार, Ag, Au, Hg, फिर कॉपर, याद है ना? तो कॉपर की कम होती है रिएक्टिविटी, आयरन की ज्यादा, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से बन जाएगा FeSO4 और प्लस हो जाएगा तुम्हारा कॉपर, अलग हो जाएगा। अगला देखिए, ये सब हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, अभी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया AgNO3 और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया NaCl। बताइए, तो AgNO3 और NaCl अगर इन दोनों का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनना चाहिए? अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई? सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा है, तो हो रहा क्या कि सोडियम Ag को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। तो ये आंसर जाएगा NaNO3 के साथ सोडियम नाइट्रेट और प्लस AgCl, प्लस AgCl। लेकिन यहां देखो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, जब दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया तो ये रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लास्ट देखिए, जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से ट्रांस, अब थोड़ा ध्यान से समझना, लास्ट वाले एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला है, लास्ट वाले एग्जांपल में इन्होंने बोला है कि सर मान लीजिए आपके पास जिंक सल्फेट है और उसकी क्रिया आप कॉपर के साथ करा रहे हो, तो पहले यह देखिए कि यहां पर रिएक्शन होगी नहीं होगी, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी डिस्प्लेस करने के लिए जिंक से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? नहीं सर, जिंक ऊपर होता है कॉपर नीचे, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, समझो बात को। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी कम है इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, किसी तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अरे तो जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देखो तो समझ जाना भाई साहब ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन है भाई, ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, बताइए सर ऑक्सीडेशन क्या है, तो अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की परिभाषा कुछ दो तीन लाइनों में दी जाती है, मतलब दो तीन परिभाषा होती है, सिंगल परिभाषा नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन की पहली परिभाषा होती है कि ऑक्सीजन या किसी अधातु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब आप या तो ऑक्सीजन को जुड़ रहा हो किसी भी रिएक्शन में या फिर कोई अधातु जुड़ रही हो, तो ऑक्सीजन या अधातु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन या धातु का निकलना, ध्यान से सुनिए, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है लेकिन हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। ओके, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, देखो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना तो ऑटोमेटिक उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण, ये तीन परिभाषाएं हैं याद रखना, और इनमें से किसी भी परिभाषा का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन में हो सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO2 बनाया, बताइए इसमें कार्बन का क्या हुआ, इसमें कार्बन का क्या हुआ, तो कहना आप कह सकते हो कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का कोई पूछे कि क्या हुआ, तो कहना कार्बन का हुआ है सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण।
समझ रहे ना। फिर अगला था हाइड्रोजन का निकलना। तो मान लीजिए तुम्हारे पास कहा कि तुम्हारे पास एक एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड 2HF, ओके, या फिर आप इसको मान लीजिए 2HCl मान लीजिए, क्योंकि HCl वाले एग्जाम्पल आपको ज्यादा पसंद आते, तो 2HCl, तो यहां से H2 अलग हो गया और देखो क्लोरीन अलग हो गया। तो अगर H2 और क्लोरीन तुम्हारा दोस्त अलग हो चुका है, तो इसका मतलब यहां पर HCl का हाइड्रोजन बाहर निकला है, और जब हाइड्रोजन बाहर निकला है तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मैंने देखो स्पेलिंग याद गलत लिखी थी, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन DATION ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, देख लो ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन बाहर निकला। फिर अगला है इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई सोडियम की धातु है या मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो जब दो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो बन जाएगा Mg++ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ये भी हमारा, बताइए कौन सा प्रोसेस हो गया सर, ये भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन ही हो गया, ओके, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर थी 0 और यहां पर हो रही +2, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी ना, इसलिए तो बोला ऑक्सीकरण संख्या। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं। मान लीजिए आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं अगला जो एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ जरूर नहीं है केवल यही एग्जाम्पल हो, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए तुमने 2Mg लिया, 2Mg के साथ तुमने ऑक्सीजन की क्रिया कराई, बता दिया 2Mg हो, देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, H2 लिया +O2 लिया, ले रहे आपको यहां 2H2 लेना पड़ेगा, बन जाएगा 2H2O, देख लीजिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कंफर्म ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीकरण है। उसके बाद देखो आपने 2NH3 लिया, 2NH3 को तोड़ दिया, अब घटन कर दिया, तो बन गया N2 plus 3H2। तो आप गौर से देखिए इसमें हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, अगर हाइड्रोजन बाहर निकला है तो यह भी ऑक्सीकरण है। तो ये भी एग्जाम्पल तुम्हारे किसकी एग्जाम्पल है, तो कहना ये भी एग्जाम्पल तुम्हारे ऑक्सीडेशन के हैं, ये भी एग्जाम्पल तुम्हारे ऑक्सीडेशन के हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण धारकना ऑक्सीजन या अधातु का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन या धातु का निकलना ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। बोलो दोस्त बात सबको क्लियर है ना, ये पूरा का पूरा पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो अगली जो आपकी हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है अपचयन। अभी हमने देखो ऑक्सीडेशन पढ़ा, हमने देखा कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या डेफिनेशन दी, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, ये सब बातें देखी। सेम तरीके से हमें अब अपचयन समझना है कि सर अपचयन क्या होता है ना। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ना, रिड्यूसिंग यानी अपचयन। अब देखो अपचयन क्या है, अपचयन की पहली परिभाषा होती है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन बोलो या किसी धातु का जुड़ना, तो हाइड्रोजन या धातु का जुड़ना ध्यान रखना अपचयन कहलाता है, धातु का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन या अधातु का निकलना, कोई भी ऑक्सीजन यदि निकलेगा तो वो हमारा कह सकते हो अपचयन होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेनली इन दोनों को याद रख लो कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और ऑक्सीकरण संख्या का कम होना यह भी तुम्हारा अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, मान लीजिए तुम्हारे पास 2HF है, मैंने 8 हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया एग्जांपल नंबर 1, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 2H या यू कहिए कि काम करते हैं HCl लेते, क्योंकि HCl वाला एग्जांपल तुम्हें ज्यादा समझ में आता है। तो यहां से देखिए क्लोरीन बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो 2HCl से आप देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही बाहर, इसका मतलब ये तुम्हारी एक अपचयन रिएक्शन है, अपचयन, ये अपचयन है। उसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का निकलना, मान लीजिए मैंने 2H2O ले लिया,
2H2O ले लिया। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 2H2 प्लस O2। ओके, तो देखिए यहां ऑक्सीजन बाहर निकला है। अब यहां पर ये एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। उल्टा करके मतलब ये है TCl2 को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा तुम्हारा 2HCl। हाँ, अब सही है। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, अम्ल बना, सर ये हमारा अपचयन हो गया। ऑक्सीजन इससे बाहर निकला, सर अपचयन हो गया। ओके, दोनों परिभाषाएं वैलिड हो गई। इसके बाद हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास थोड़े देर के लिए मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने जब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या यू कहिए कि ओ माइनस माइनस है, ओ माइनस माइनस ना लेके आप इसको क्या ले लो, ओ माइनस माइनस अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, ओ ही लो, अगर दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो ये बना देगा ओ माइनस माइनस। ठीक है, तो O माइनस माइनस बनाया, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये भी तुम्हारा अपचयन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कम हुई, सर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही, सर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो रही माइनस टू, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई ना, तो कम हुई तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपचयन। तो ऑक्सीडेशन और अपचयन को तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें पहचानना, और ये परिभाषाओं से ये पहचान सकते हो, और कोई तरीका ही नहीं है। अगली स्लाइड देखिए। अब अगली वाली हेडिंग में मेरे पास ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स क्या होती है, रिडॉक्स बड़े ध्यान से सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी तुम्हें देखने को मिले और अपचयन भी देखने को मिले, सर उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब मिलते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो पहली वाली रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला यानी पहली वाली जो रिएक्शन है वो तुम्हारी ऑक्सीडेशन है, पहली वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन। इसमें देखो ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, एट सेकेंड, ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकला है तो ये पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला। और इसमें देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन, समझो। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्साइड से जिंक बाहर निकला इसलिए रिडक्शन। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यही तो बोला जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, एक चीज और याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग हमेशा नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार तुमसे यह नाम भी पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, ऑक्सीकरण एजेंट किसे बोलते हैं, या ऑक्सीकरण कारक किसे बोलते हैं। तो जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है, जैसे कि देखिए कार्बन का, अब कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो कार्बन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ओके, तो जिसका रिडक्शन होगा उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मैं और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगला वाला एग्जांपल भी देखिए। अगला वाला एग्जांपल में आप गौर से देखिए तो Fe2O3 C3CO के साथ रिएक्शन करके 2Fe और 3CO2 बनाता है। तो आप गौर से देखिए तो यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला इसका मतलब यहां पर हुआ है रिडक्शन। और थोड़ा 3CO में देखिए, 3CO में देखो ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा इसका मतलब यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन यहां पर मिल रही है, लेकिन किसे कौन सा एजेंट बोलना है ये एक मुद्दे वाली बात है भाई। तो Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि Fe2O3 ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और देखिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल H2SCl2 2HCl ये बना। ठीक है,
आप गौर से देखिए, इससे हाइड्रोजन बाहर निकला है, इससे, ये हाइड्रोजन वाला एग्जांपल है, इससे हाइड्रोजन बाहर निकला है। तो जिससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ध्यान रखना, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हो जाएगा रिडक्शन का एग्जांपल। ओके, तो बस ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, बस इन्हीं बातों से ही आप पहचान सकते हो कि कोई भी रिएक्शन हमारी ऑक्सीकरण रिएक्शन है कि अपचयन रिएक्शन है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये पता करना है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते कैसे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल लिया। तो मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल नंबर वन है कि आप सर H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितनी होनी चाहिए। ये मान लो एग्जाम्पल कि H2SO4 में सल्फर की मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 बना लो, H2SO4 बना लो। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस वन होती है, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 × +1 कर दो। सल्फर की अपनी तरफ से एक्स मान लो, और रही बात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, तो 4 × तुम्हें -2 करना पड़ेगा और बराबर 0 करना पड़ेगा। ये देखो 4 × -2 = 0, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है। अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो यहां 2 + x - 8, तो यहां से देखिए सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी वो तुम्हारी आ जाएगी 6, भाई इधर जाएगा 6। तो जिसकी भी हमें निकालनी हो उसको हमेशा एक्स मानो, और कह सकते हो कि जैसे जैसे कैलकुलेट करना है, मतलब मान बाटी रखिए, कैलकुलेट कीजिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए तुमसे कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल नंबर 2 कि आप SO2 ले लेते, इस बार SO2 में तुम्हें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, बताइए कितनी होनी चाहिए SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो काफी आसान मैंने एग्जांपल लिया, क्योंकि अगर सल्फर की मैंने एक्स मान ली तो ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 × -2 = 0। हमेशा किसी भी कंपाउंड के लिए आपको 0 करना है। हाँ, अगर ये किसी तरह के आयन होते, प्लस आयन होता, माइनस आयन होता, तो मैं देखता, है ना। ओके, तो एस बराबर यहां पर बताइए कितना हो जाएगा, 4। तो इस बार देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आई और यहां पर +6। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल संयोजकता या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल मैं आयन ले लेता हूं, जैसे कि NH4+, ये बताइए, इसमें मैं पूछता हूं कि बताइए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए बताओ। तो नाइट्रोजन की अगर तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो कैसे निकाली जाएगी, करना कुछ नहीं है, नाइट्रोजन की आप एक्स मानो, और हाइड्रोजन की तो आपको पता है कि +1 होती ही होती है ना। और आगे देखिए, इन्होंने चार्ज बोला है +1, NH4+, तो NH4+ है तो बराबर इस बार 0 नहीं करना है, बराबर इस बार करना है +1, बराबर इस बार करना है +1। बोलो भाई, बात सब तो क्लियर है ना। तो जैसे ही आपने ऐसे किया, अच्छा ठीक है ऐसे हो गया, तो आप बताइए यहां पर x + 4 = +1, तो x = -3, तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही -3। अटे लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर लगा हुआ आवेश, जैसे कि कुछ में चीजें सेम आ सकती है लेकिन हो सकता है कई बार अलग भी हो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरीके से निकालनी है। हाँ, कुछ में ये फॉर्मूले नहीं लटर करते लेकिन वो आपके लेवल में नहीं आते, फिर वो ITJEE वगैरह में आ जाएंगे, है ना। और भी अगर एग्जाम्पल लेना हो तो आप अमोनियम है, इसे अमोनियम आयन बोलते हैं, तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल है वो लिए जा सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए याला जो चैप्टर था आपका, जिसको हमने नाम दिया था केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखिए ग्रुप डी में या फिर किसी भी रेलवे के एग्जाम या किसी भी एसएससी के एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, खास तौर से रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, इसी तरह से आपको अभी धीरे धीरे करते हुए सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।